अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स कवर मेट्रोपॉलिटन एरिया। सो जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे उनमें जो करेक्ट आंसर है वो है MAN। MAN इज अ नेटवर्क विच कवर्स मेट्रोपॉलिटन एरिया, एंड MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फेस द म्यूजिक मीन्स, सो दिस इज एन idiom, ये एक idiom है, विच मीन्स टू बियर द consequences। सो इसका मतलब होता है कि नतायज बर्दाश्त करना। सो अगर किसी ने कोई मिस्टेक किया है, कोई गलती की है, तो उसे अब उसका उस बुरे काम का अंजाम, उस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो उधर हम ये idiom यूज़ करते हैं, टू फेस द म्यूज़िक। सो ये आपकी स्पोकन, रिटन और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट idiom है, टू फेस द म्यूज़िक, जिसका मतलब होता है नतायज बर्दाश्त करना। और नतायज वो जो नेगेटिव हों, एक तो पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, एक होता है नेगेटिव रिजल्ट। सो यहाँ इसका मतलब होता है नतायज बर्दाश्त करना, मनफी नतायज बर्दाश्त करना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस। सो ये idiom, ये जो है idiom नहीं है, एक सेंटेंस है, इसे हमने बनाना है पैसिव में। तो इसका जो ये हु है एक्टिव में, ये बन जाएगा बाय होम। और इसके अलावा जो पैसिव है इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, और ये क्रिएटिंग यानी कि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो इधर बींग भी आएगा, बींग भी यूज़ किया गया है और थर्ड फॉर्म भी यूज़ किया गया है। सो हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, ये एक सेंटेंस है जिसको पैसिव में अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, बाय होम इज़ दिस मेस बींग क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज़ शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ चार कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें इंडिया, चाइना, और अफ़गानिस्तान और इसके साथ साथ ईरान, ये चारों कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया की बात करें तो ये ईस्ट में है, मशरक़ में है, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ईरान वेस्ट में है, जबकि चाइना जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये चारों कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे हम उर्दू में दीवारे चीन भी कहते हैं, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ये पिक्चर है, ये जो पिक्चर है इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या फिर उर्दू में हम इसे दीवारे चीन भी कहते हैं, इसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो 21,196 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसको एक चाइना के फर्स्ट एम्परर थे किन शी हुआंग ने तामीर करवाया था, और इसने मंगोलों के खिलाफ, जो मंगोलों का जो ख़तरा था, उस ख़तरे से बचाव के लिए, एहतियाती तदाबीर के लिए ये दीवार तामीर करवाई थी, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या फिर दीवार चीन भी कहा जाता है। द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा इज़ सिचुएटेड इन, सो इट इज़ सिचुएटेड इन लाहौर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अबू तराब इज़ द टाइटल ऑफ विच कैलिफ। सो अबू तराब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये टाइटल है, लकब है, और इसके साथ साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को असदुल्ला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बदर मीन इन अरबिक। बदर का जो मतलब है वो है फुल मून। बदर मीन्स फुल मून, और ये बदर जो है ये एक जंग भी हुई थी, जंगे बदर जिसे हम कहते हैं, बैटल ऑफ बदर। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हेन बैटल ऑफ बदर वाज फॉट, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्क एट दमश्कस वाज बिल्ट बाय। सो इट वाज बिल्ट बाय वलीद बिन अब्दुल मालिक ने ये मस्जिद जो है तामीर करवाई थी। डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें, सो दैट आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। मोस्ट ऑफ हाफिज कुरान वर मार्टर्ड इन विच बैटल। बैटल कहते हैं जंग को, और मार्टर कहते हैं शहीद को।
सो किस जंग में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान शहीद हो गए थे, तो उस जंग को कहा जाता है जंगे यमामा। जंगे यमामा में अराउंड 70 हाफिज कुरान शहीद हो गए थे। विच सूरा वाज रिसाइटेड बाय द होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरा मुबारका की तिलावत फरमाई, तो उस सूरा को कहा जाता है सूरा यासीन। सूरा यासीन जिसमें 83 वर्सेस हैं, 83 इसमें आयात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द 11th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 11वां जो मंथ है उसे कहा जाता है जुल्कदा। जुल्कदा इज़ द 11th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। आपसे ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। 7th मंथ के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है, जो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। विच सहाबी वॉज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ अरब, हज़रत आमिर बिन अल आस को ब्रेन ऑफ अरब भी कहा जाता है। हज़रत आमिर बिन अल आस ने 629 AD में इस्लाम कबूल किया था, और ये जो थे अरब कनकरर थे, सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते थे, और इन्होंने इजिप्ट को, मिस्र को फतह किया था। वट इज़ द नेम ऑफ द सूरा दैट वाज लास्ट रिवील ऑन द होली कुरान, सो होली कुरान पर जो लास्ट सूरा नाजिल हुई थी, रिवील हुई थी, रिवील का मतलब होता है नाजिल होना, तो उस सूरा का नाम है सूरा अल नसर, सूरा अल नसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन विच ईयर, सो द करेक्ट आंसर इज 1963। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, जिसे बाउंड्री एग्रीमेंट भी कहा जाता है, और इस पर सिग्नेचर किए थे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। यहाँ तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे, वज़ीर ख़ारजा भी बने थे, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर चाइनी के थे, वो थे चैन यी। चैन यी वाज दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, वाइल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाज स्टार्टेड इन, अगर हम उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की बात करें, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है तनाज़ा, इट वाज स्टार्टेड इन 1867 में एक तनाज़ा, एक कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था उर्दू और हिंदी के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज, पाकिस्तान का पहला चेयरमैन सेनेट जो था वो था खान हबीबुल्ला खान। खान हबीबुल्ला खान वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट। और इसके अलावा जो करंट जो चेयरमैन है इस वक्त वो है मोहम्मद सादिक संजरानी, इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट, और ये मार्च 2018 से लेकर पाकिस्तान जो सेनेट है पाकिस्तान का उसके चेयरमैन हैं, एंड ही बिलोंग्स टू बलूचिस्तान प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गास्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन, इन दोनों ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नंबर सीरीज 15, 10, 13, 10, 15, 20, 19, तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो इसका 40 होगा, 40 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। विच पैक्ट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एग्रीड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, उस पैक्ट को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इज़ द करेक्ट आंसर, एंड लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नंबर सीरीज 14, 28, 20, 40, 32, 64, सो अब जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 56, यानी कि 14 में 8 करें तो 28 बनेगा, जैसे 8 निकालें तो 20 बनेगा, 20 में 28 करें तो 40 बनेगा, जैसे 8 निकालें तो 34 बनेगा, 32 और 32 64 बनते हैं, जिससे 8 माइनस करें तो 56 इज़ दी करेक्ट आंसर हेयर, 56 इज़ दी करेक्ट आंसर हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अपोनेंट ऑफ द डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइबर। मीन्स फाइबर इज एन अपोनेंट विच अपोनेंट डाइट विच प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF फ्री में दिया हुआ है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पासवर्ड नहीं है उस पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको MCQs चाहिए, तो testpoint.pk एक बेस्ट वेबसाइट है पाकिस्तान में, जहां आपको हर किस्म के टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। पास्ट पेपर से लिए गए इम्पोर्टेंट MCQs हैं यहां। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।